Hello children, this is me DS Kazi. Children, today we are doing to solve the exercise between home and school, standard second, textbook name is Mridan, page number 44. Listen to the word that your teacher will read out, point to the object that represent the word. अब आपको ये आपके टीचर बोलेगी पढ़ेगी, उसको ध्यान से सुनना है. पहला वर्ड है चार्ट, फिर है चौक, फिर है चेयर. राइट सी एच टू फील इन द ब्लैंक, रीड द सेंटेंस अलाउड. आपको ये सी एच वर्ड इस ब्लैंक के अंदर भरना है और उस सेंटेंस को पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि ये सी एच जो है ये ब्लेंड वर्ड है. ब्लेंड का मतलब बच्चों ये होता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है, हर एक अल्फ़ाबेट के अपने एक इंडिविजुअल साउंड है ना. लेकिन जब दो कॉन्सनेंट साउंड को हम एक साथ मिला देते हैं, दो व्यंजन ध्वनि को, जैसे सी जो है उसका साउंड क्या है क, और एच का क्या है ह. अब इसको हम ब्लेंड का मतलब होता है कि दो या दो से जो वर्ड है उसको जब हम मिला देते हैं तो उसका जो स्वर है, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो ध्वनि है वो बदल जाती है. क्योंकि दो अलग अलग ध्वनि मिलकर क्या हो जाती, एक हो जाती. इसी को ब्लेंड करना बोलते हैं. अल्फ़ाबेट जो साउंड है हर एक के अलग होते हैं, लेकिन जब दो डिफरेंट साउंड वाले अल्फ़ाबेट को हम एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं, इस चीज़ को हम ब्लेंड बोलते हैं. जैसे सी क और एच ह, तो क्या बना, च च. क्या साउंड बना, च च च. सी एच च च च, क्या साउंड निकलेगा, च. ये दो अलग अलग साउंड थे, अब ये मिलकर क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं. तो इसका आवाज़ क्या बन गया है, च, सी एच च. टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर, अभी एल यू एन दिया है, इसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे हम सी एच साउंड मिला के, लंच लंच. माय फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना, फिर सी एच को जोड़कर क्या बनेगा, चिप्स. आवर टी, फिर चर, हमको यहाँ पे क्या करना है, टीचर लिखना है. तो सी एच हमने यहाँ मिलाया, च साउंड. पुट अप अ न्यू, फिर से सी एच इसमें मिलाना है, तो बनेगा वर्ड चार्ट. इन द क्लासरूम, इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड हर, सी एच चेयर. तो जो चेयर है उसके स्पेलिंग में क्या लगता है, सी एच. सी एच मिल के क्या बन जाता है, च च, है ना. अभी हम लोग जाते हैं पेज नंबर 46 पेज नंबर पर. लिखा है सर्कल ऑल द थिंग दैट रवि एंड हिज फ्रेंड सी ऑन देयर वे टू स्कूल. अब जो रवि है वो अपने दोस्त के साथ जब स्कूल जाता है तो रास्ते में वो क्या क्या देखता है, तो उसको क्या मिलता है, कैनल, नहर, तो उसको हम सर्कल करेंगे. बैंक नहीं मिलता है जहाँ पैसे जमा करते, तो उसको सर्कल नहीं करना है. हॉस्पिटल, अस्पताल, ये भी नहीं मिलता, इसको भी नहीं करना है. वाटर पार्क, ये भी नहीं. फिर कहाँ से गुजरते वो मैंगो ग्रू, इसको सर्कल करना है. पैडी फील्ड, धान के खेत, इसको सर्कल करना है. उनको छिपलक भी दिखती है, लेजर्ड, उसको पार्क को नहीं करना है. कार को नहीं करना है, ट्रेन को नहीं करना. हाँ, मेन रोड को करना है, मेन रोड पर आते हैं ना वो, मेन रोड को आपको सर्कल करना है. और फिर ट्री को भी आपको करना है. फिर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल. अब आपको मज़ेदार बातें जो आप हर दिन देखते हैं आपके स्कूल और घर तक जाने तक, तो वो यहाँ पे सेंटेंस बनाकर लिखना है. तो आप लिख सकते हैं कि आई सी मैनी व्हीकल्स लाइक कार, बस, वैन.
है ना, आप जब रोड से होते हुए आपके स्कूल जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे व्हीकल दिखती हैं, कार है, बस है, वैन है, स्कूटी है ना, बहुत सारी शॉप्स भी दिखती हैं, लोग भी दिखते हैं, एनिमल्स भी दिखते हैं, वेंडर्स भी दिखते हैं कुछ बेचते हुए, है ना, सुबह सुबह स्नैक्स के जो है स्टॉल लगते हैं, टी स्टॉल लगता है। तो वो यहाँ पर सेंटेंस बनाकर आपको लिखना है कि आई सी मैनी व्हीकल्स लाइक कार, बस, वैन, आई सी पीपल वॉकिंग विद देयर डॉग्स, लोग मॉर्निंग वॉक को अपने डॉग को लेकर जाते हैं, आपको वेंडर्स बेचने वाले मिलते हैं, क्या बेचते हैं वो स्नैक और टी, तो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर हम लोग अब देखते हैं पेज नंबर 47, यहाँ पर लिखा है रीअरेंज द जंबल्ड लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स हिंट, द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन, आपके लेसन में से वर्ड दिए हैं, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दी है लेकिन वो करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इनकरेक्ट ऑर्डर में है, उसको आगे पीछे कर दिया है, इसी को हम जंबल वर्ड बोलते हैं। अब आपको सही कर कर लिखना है, यहाँ पहला वर्ड दिया है ओ एच एम ई, तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग आएंगी एच ओ एम ई, फिर दिया है ए एन सी ए एल, करेक्ट आएगा सी ए एन ए एल एस, फिर दिया है डी ए पी वाई डी, तो पी ए डबल डी वाई पैडी, ओ एन एम ए सॉरी एम जी ए, तो एम ए एन जी ओ गो मैंगो। अब आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना है, सेंटेंस है नहीं वाक्य, वर्ड्स आपको दिए हैं, इसी वर्ड को यूज़ करके आपको छोटे छोटे वाक्य ने सेंटेंस बनाना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो, फर्स्ट वर्ड दिया है गेट, तो मैंने छोटा सा शॉर्ट सेंटेंस बनाया है द गेट इज़ बिग, रोड कार ऑन द रोड, है ना, कार चलती है, बस चलती है, ट्री इज़ ग्रीन, ऐसा छोटा छोटा बनाया है, लंच इज़ रेडी, लेजर्ड आई सी लेजर्ड ऑन द वॉल, ठीक है, ऐसे छोटे सेंटेंस आपको बनाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।